निर्णय लिया गया कि 200 छात्राएं हैं जो मेरिटोरियस होंगी और इस यूपीसी कंपटीशन के प्रक्रिया के थ्रू हमारे सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट निजी संस्थानों में एडमिशन लेंगी। ऐसी 200 छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, जिसमें 100 छात्राएं जो होंगी वो रिजर्व कैटेगरी संस्थानों की होंगी और जो बाकी 100 होंगी वो गैर रिजर्व कैटेगरी की होंगी। दूसरा, इसके अलावा 3 हम लोगों ने नए प्रोग्राम शुरू किए हैं जो इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंक्लूड होंगे। एक तो उसमें से बी वॉक है जो कि स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है और AICTE में इस पर 19 विधाओं में 80 स्पेशलाइजेशन हैं, तो काफ़ी संस्थानों ने इसके लिए रिक्वेस्ट लास्ट टाइम किया था, तो इसको इस बार सुचारू रूप से चलाया जाए। और इसके अतिरिक्त एक कोर्स नया है AICTE का, 4 ईयर बी प्लान बैचलर इन प्लानिंग, तो वो भी उसको काउंसलिंग के टाइम पर ऐड किया जाएगा चीफ मैट्रिक से भी। और एक कोर्स आ रहा है जिससे इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम, बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम, तो इसमें 1 साल का बचत होगा। बीटेक प्लस एमटेक अदरवाइज 6 साल का होता है, तो इसमें 5 साल का प्रोग्राम ये रहेगा। इस घर से कर देंगे जी, तो इसकी प्रवेश प्रक्रिया भी इसी UPC के तहत है। एक नया चीज़ इसमें UPC 2019 में ये है कि इस बार एमटेक, एम फार्मा, एम आर्क और एम डेस, ये 4 मास्टर्स लेवल के प्रोग्रामों को भी UPC ही करा रहा है, तो इनका जो सिलेक्शन होगा उसके थ्रू आवंटन एमटेक प्रोग्राम को दिया जाएगा, सरकारी में भी और गैर सरकारी में। तो जो हम लोगों के गेट GPAT होते हैं उनकी ये तो प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद जितना है उसमें दिया जाएगा। सारे फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की कट ऑफ डेट 15 मार्च है और इस फॉर्म को भरने के लिए 1300 रुपये की फीस है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट और जो हमारे छात्राएं हैं उनके लिए 50% है, 650 रुपये है।